हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तुरई की बहुत ही जायकेदार स्पाइसी सब्जी की रेसिपी। जो लोग तुरई का नाम सुनकर भाग जाते हैं ना, आप उनको इस तरह से एक बार तुरई बनाकर खिलाइएगा, वो हर बार इसी तरह से तुरई बनवाकर खाना चाहेंगे। ये तुरई की सब्जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी होती है। इसको हम बहुत कम मसालों से आपको बनाकर दिखाएंगे और ये बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, तुरई की सब्जी बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है और इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे, इसकी जो कच्ची स्मेल है वो खत्म होने देंगे। और ये हमने 500 ग्राम तुरई ली है जिसको हमने लंबे पीसेस में कट कर लिया है, पर आप अपनी पसंद से तुरई को किसी भी शेप में काट सकते हैं। 3 बड़ी प्याज जिनको हमने बारीक कट कर लिया है, प्याज का वेट होगा तकरीबन 200 ग्राम। 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 6 से 7 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो ये देखिए, तेल अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब हम सबसे पहले ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमें फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज हमारी गोल्डन होने लगी है जैसे हमें कलर चाहिए था। अब इस साइड हमें ऐड करना है हरी मिर्च, टमाटर 1/2 टेबल स्पून, जीरा। अब इन सबको भी कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तुरई। तुरई को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस साइड हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। अब सब्जी में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1 से 2 मिनट तुरई को और अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि जो ये हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर इसके बाद कढ़ाई को कर देंगे हम कवर। इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि तुरई पानी छोड़ती है, तो इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 5 मिनट के बाद कढ़ाई को खोलकर देखना है। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, अब कढ़ाई को हम खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, तुरई बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। अब हमें हाई फ्लेम पर तुरई को हम भून लेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो तुरई में बहुत ज्यादा पानी नहीं था और ये बहुत जल्दी अच्छे से भून गई है। और ये देखिए, ऑयल भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, तुरई हमारी बनकर तैयार है। सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इस सब्जी को बनाने में और ये बहुत ही जायकेदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। फ्लेम को हम कर देंगे बंद। आप इस सब्जी को अगर आप घूमने जा रहे हैं या आप अपने ऑफिस टिफिन में भी इसको लेकर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जायका होता है, ठंडी होने के बाद में भी ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे ना। तो जो लोग सच में तुरई ना भी खाते हैं ना, वो भी इस सब्जी को खाना पसंद करेंगे। तो बस एक बार मेरे कहने से आप इसको एक बार जरूर बनाकर खाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम एक अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।